चलिए शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए बिगैन, थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये लाइफ टाइम हो रहा है, ए बिजनेस। और ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से हम सिखाएंगे, चैलेंज है ये, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते जाइए और ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ए बिगेन्स ए बिजनेस विथ रुपीज़ 4,200 एंड जॉइन इज जॉइनिंग, राइट डाउन कर लीजिए, आफ्टरवर्ड बाय बी विथ रुपीज़ 7,200। और पूछा गया कि व्हेन डिड बी जॉइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, आर डिवाइडेड इक्वली। तो क्वेश्चन आपने शायद लिख लिया होगा, आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा। यहाँ पर बोला गया है कि ए बिगन्स बिजनेस, ए बिजनेस शुरू करने जा रहा है और रुपीज़ 4,200 देके उसने ज्वाइन किया। आफ्टरवर्ड्स बी ने ज्वाइन किया 7,200 देके। और यहाँ पर बोला गया कि व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। तो कब बी ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर चलिए इसको लिखते हैं इस तरह, कैपिटल, ठीक है, टाइम, ए का कैपिटल कितना है 4,200, ठीक है, बी का कैपिटल कितना है 7,200, इसको रेशियो बनाएंगे और ये मंथ्स में होगा, ठीक है, और ये होगा 12:7, देन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, प्रॉफिट बोला गया है इक्वल, ठीक है। अब इस समय में जो टाइम होगा वो जो रेशियो होगा उसके इन्वर्सली काम करता है, इन्वर्सली, ठीक है, देखते हैं कैसे वो होगा। ये मान लीजिए आपके यहाँ पर काम का जो रेशियो है वो 7:12 हो जाएगा क्योंकि हमने टाइम निकाला था, टाइम कितना था, ए का टाइम 12 मंथ और बी का टाइम था 7 मंथ, ठीक है। ए जो है इन्वर्स हो जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये होगा वर्क, वर्क का रेशियो, ठीक है, वर्क का रेशियो, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, खाली वर्क लिखते हैं। वर्क का जो है इन्वर्स हो जाएगा 7:12। यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि 7 जो है 7 मंथ और ए जो है 12 मंथ बी का, ठीक है, ये वर्क का जो रेशियो है, ठीक है। बी ने अब बिगिंस
जो बिजनेस बिगिन किया था, बिजनेस को बी से डिनोट करते हैं, बिगिन किया था वो ट्वेल्थ, ये बिजनेस बिगिन करने से पहले, 12 माइनस 7 5, जो मंथ था उसके बाद उसने ज्वाइन किया। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सवाल जो था वो आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद, देखिए अच्छी तरीके से। बी जो बिजनेस शुरू किया था वो शुरू होने के, क्योंकि 7 मंथ उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क का जो रेशियो है 7 मंथ माइनस हो जाएगा, तो 5 मंथ के बाद ये निकल के बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया 5 मंथ के बाद। तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में करें, तो चलिए आइए, चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से। अगर लेट ये समझा जाए कि ए ने 12 मंथ के लिए जो है बिजनेस में पैसा दिया, ठीक है, तो ए का जो कैपिटल होगा वो होगा 4,200 × 12, ठीक है, और वो होगा 50,400। बहुत अच्छी बात है। और बी का जो कैपिटल है वो होगा 7,200, और वो किसने कितने महीने के लिए लगाया, लेट समझ लेते हैं ए एक्स मंथ के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बोला गया है कि जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट है वो इक्वल है, इक्वल है, ठीक है, तो 1:1 इक्वल है। तो इसमें जो बी ने जो पैसे लगाया था वो कितने दिनों के लिए लगाना होगा, तो फिर ऐसा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो 1:1 होगा, कितने दिनों के लिए लगाना होगा, तो लगाना होगा इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा x = ये जो हमारा निकल के बाहर आया 50,400, 7,200। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको लाइव कर दूंगा। ठीक है, तो बी ने जो बिजनेस शुरू किया था वो कितने दिन उन्हों के बात किया था, 12 - 7 = 5 मंथ। ठीक है, ए निकल के बाहर आ गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं कि बोला गया कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टू पार्टनर्स इज 11:12। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज 2:3। इफ ए इन्वेस्ट द मनी फॉर 8 मंथ्स, ठीक है, फाइंड फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्ट हिज मनी। यहाँ पर बोला गया कि बी कितने दिनों के लिए
उस मनी को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्टकट और जॉट डाउन कर लेते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। तो इसके लिए और एक पेज लेते हैं, चलिए उसको जॉट डाउन करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक सर्टेन रेशियो है, टू पार्टनर्स था, एक दो पार्टनर है जिन्होंने 11:12 इस रेशियो में, ठीक है समझ में आया, इस रेशियो में एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और जो प्रॉफिट निकल के बाहर आया, एंड द प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पर प्रॉफिट निकल के जो बाहर आया, प्रॉफिट रेशियो 2:3, ठीक है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो और ये इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। बस इफ द इन्वेस्टमेंट मनी ऑफ फॉर इफ द इन्वेस्टमेंट मनी फॉर 8 मंथ्स, इन्वेस्टमेंट मनी फॉर 8 मंथ्स, ए का इन्वेस्टमेंट मनी जो है वो 8 मंथ्स था, अगर ऐसा कंडीशन आया कि अगर ए का जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसने मनी 8 महीने के लिए लगाया, तो बोलिए, पूछा गया कि बी का जो इन्वेस्टमेंट है कितने दिनों के लिए लगाया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को एकदम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं और एकदम चैलेंज है, एक कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लेट आप मान लीजिए कि ए ने 11th जो रुपीज़ है, यानी कि 11:12 बोला गया है, तो 11 रुपीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 11 रुपीज़, ठीक है, 8 मंथ्स एंड 12 रुपीज़ ए मंथ्स, ओके, के लिए किसी बिजनेस में लगाया था, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, एन भी लिखते हैं, आईएन भी इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, अगर ऐसा अगर रेशियो आ जाए तो A:B कैसा होता है, 11:8 कर दिया 8 मंथ के लिए, ठीक है, 11:12, क्योंकि ये हम नहीं जानते इसलिए ए यहाँ पर बोला गया है, तो कितना होता है 88:12 पे। ठीक है, अगर इसको सॉल्यूशन किया जाए 88:12A = 2/3 और A = 88:3 12:2 A = अगर क्रॉस किया जाए 11। ठीक है, तो बी ने जो पैसा लगाया था वो 11th मंथ के लिए लगाया था। फिर से इसको रिकैप करूँगा मैं। ठीक है, बोला गया कि टू पार्टनर्स हैं, उन्होंने 11:12 इस रेशियो में किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, आईएन भी लिखते हैं, और जो प्रॉफिट निकल के बाहर आया, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं यहाँ पर ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको और तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट जो निकल के बाहर आया, तो वो निकल के बाहर आया इस रेशियो में 2:3 इस रेशियो में प्रॉफिट निकल के बाहर आया, बहुत अच्छी बात है। तो अब पूछा गया है कि अगर एक कंडीशन पूछा गया, अगर बी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया 8 महीने के लिए, कोई मनी 8 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया 8 मंथ्स के लिए,
तो आपको बोला गया कि बी ए का दे दिया गया, ठीक है। तो बोलिए कि बी का टाइम कितना पीरियड था, टाइम पीरियड कितना है, और इन्वेस्टमेंट मनी, ठीक है, कितने टाइम के लिए उसने इस मनी को इन्वेस्टमेंट किया था। तो बी के बारे में पूछा गया। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है दोनों पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसका रेशियो, ठीक है, कितना प्रॉफिट किया उसका रेशियो। अब इसमें से एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट मनी जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो कितने दिनों के लिए हुआ था टाइम, ठीक है, और पूछा गया कि सेकेंड जो पार्टनर है उसने कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसका टाइम पीरियड, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, सॉल्यूशन फिर से मैं रिकैप करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ए जो है 8 महीने के लिए, ठीक है, और एंड ए भी पकड़ लीजिए कि 12 जो है, क्योंकि इन्वर्स होगा, मैंने पहले भी बोला था इन्वर्स होगा, 12 जो है रुपीस पकड़ लेते हैं ए मंथ के लिए, ठीक है, किसी बिजनेस में लगाया था। तो ऐसे अगर पकड़ के चलेंगे तो ए इज टू बी 11 × 8, ठीक है, इज इक्वल टू 12 × ए, ए आ गया हमारा जो 88। कुछ नहीं करना होगा, जो भी यहाँ पर रेशियो दिया जाएगा 11, उसको इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है, 88 × 12, ठीक है, ए निकल के बाहर आ गया, 88 × 12 ए इज इक्वल टू 2/3, ए इज इक्वल टू 88 × 3 12 × 2, और ए इज इक्वल टू 11। तो ए जो निकल के बाहर आया वही आंसर है। तो बी ने 11th मंथ के लिए जो मनी था वो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, ए है आंसर। तो चलिए और एक आंसर करते हैं, और एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। किसी बिजनेस में जो जे नाम के एक लड़का है, या राम कह लीजिए, जे नाम के एक लड़का है, उसने 6000 उसने इन्वेस्टमेंट किया था, और 6 मंथ्स के बाद, सिक्स अच्छी तरीके से समझिए, 6 मंथ्स लेटर, 6 मंथ्स लेटर मधु जो है एम उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन रुपीस, ज्वाइन विथ रुपीस 4000, ठीक है ना, उसने ज्वाइन किया और उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 4000। इफ दे मेड अ प्रॉफिट, अगर उन लोगों ने इतने रुपए का प्रॉफिट किया, 5200 रुपए का प्रॉफिट किया एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच बी द शेयर ऑफ मधु। तो मधु का जो शेयर है, मधु ने बाद में ज्वाइन किया ना, मधु का जो शेयर है वो कितना है, ये हमें पूछा गया। फिर से समझते हैं, राम पकड़ लीजिए कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया उसने, और विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका कितना था, 6000 रुपीज, ठीक है। इसने 6 मंथ तक बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम को समझिएगा, 6 मंथ तक लगाया इस बिजनेस में, उसके बाद मधु आ गया, आफ्टर 6 मंथ मधु आ गया, और मधु ने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट से स्टार्ट किया, 6 नंबर पॉइंट से, ठीक है, 6 महीने के बाद मधु ने
उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया 4,000 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बोला गया कि इन दोनों ने, अगर इन दोनों ने जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना किया, प्रॉफिट किया 5,200 इतने रुपीज़ का अगर प्रॉफिट किया एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि 12 मंथ के बाद इन्होंने ये प्रॉफिट किया, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन है, अच्छी तरीके से समझिए क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है। ठीक है, इसने कितने दिनों के लिए टाइम पीरियड दिया गया है, और दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट मनी। ठीक है, ए दिया गया है, इसको काट देते हैं। और इसने टाइम पीरियड 12 मंथ के लिए लगाया ज़रूर, लेकिन इसने आफ्टर 6 मंथ्स का जो है वो बिज़नेस में इसने इन्वेस्टमेंट किया, मधु ने। ठीक है, तो चलिए इसको बिल्कुल क्विकर मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो जो रेशियो है उस रेशियो को हमें लाना पड़ेगा, 6,000 इंटू 12, किस लिए 12, इसने 12 मंथ तक इस पैसे को लगाया, इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। मैंने फिर बोला था आफ्टर सिक्स मंथ किसने, मधु ने ज्वाइन किया, मधु ने ज्वाइन किया उस बिजनेस में कितने रुपीज़ के साथ, 4,000 रुपीज़ इंटू 6। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो निकलता है 3:1। ओके, 3:1। तो मधु का जो, देखिए बहुत इजी हो गया, मधु का जो प्रॉफिट का जो पार्ट होगा, मधु का, तो 5,200 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 ये देखिए ये कैसे होता है, 3+1=4, ए 1 यहाँ इधर से आ गया। ठीक है, तो होता है 1,300। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।